पोहा। ये हमारा पेपर पोहा है, आप देख सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके इसको चला रही हूँ। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो आप किसी और धारी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे हाथ कर सकती हूँ। देख सकते हैं आप, कुछ चलाने में ये थोड़ा सा इजी रहता है और जल्दी। यहाँ पर मैंने अब लाई ले लिया है, लाई को भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक इसे देखिए, आप इसे चलाते रहिए। अच्छे से चलाते रहिए इसे, ताकि नीचे हमारा जले ना। ये जो लाई है, लाई को भी मैं दो हाथों से अपने चला रही हूँ। ये भी हमारी ब्राउन होने स्टार्ट हो गई है, और ये भी हमारी क्रिस्पी हो चुकी है। इसको मैं थोड़ी देर और चलाऊंगी और फिर मैं गैस को मीडियम करके निकाल दूंगी। लाई हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है, ब्राउन हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे मैं इसे निकाल दूंगी। देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसे ज़्यादा ना चलाएं क्योंकि ये बाद में फिर जल जाएगी, तो आप इसी ही स्टेज पे से निकाल दीजिए। ये देखिए, कुरकुरी हो गई है। मैं यहाँ पर एक कारपेट डाल के देखने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से तलकर निकाल लिया है। देख लीजिए, इसकी जो क्वांटिटी है ये करीबन 400 ग्राम की क्वांटिटी है इसकी, आप देख सकते हैं। इसी ही तेल में मैं अब मूंगफली को फ्राई करने जा रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने दो बाउल के करीबन मूंगफली ली है, इसे हम अच्छे से रोस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ पर फली को मैंने तलकर निकाल दिया है, जो अच्छे से हमारी तल। ये है हमारी मीठी नीम। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने इसे ज़्यादा क्वांटिटी पे क्यों लिया है, तो इसका जो राज है ये पता चलेगा आपको। क्या कढ़ाई पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, आज हमारे को इसी फ्लेम पे मैं डालने वाली हूँ हमारी मीठी नीम।
आप ये जो मीठी नीम देख रहे हैं इतनी सारी, इसे हमें करना है अपने हाथों से ही क्रश, कैसे महीन क्रश कर देना है इस तरह से। यहाँ आप देख सकते हैं कि अमचूर पाउडर है, ये सौंफ है, ये काला नमक है, ये सफ़ेद नमक सॉल्ट है, यह हमारा मीठी नीम के पत्ते हैं, ये हमारी ग्रीन चिली है, ये ड्राइड हमारे कोकोनट है, ये हमारा आलमंड है और ये ड्राइड है। ये देख लीजिए हमारी किशमिश को। हरी मिर्च, इसे हमें पहले अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन कर देना है ताकि इसका जो तीखे का जो अर्थ है वो हमारे टेस्ट में आ जाए। आप ये जो मसाला देख रहे हैं इसी मसाले में मैंने नमक, सफेद नमक, काला नमक, आप देख सकते हैं कि जितना मसाला मैंने बनाया था सब मैंने इसमें मिला दिया है। अब मैं इसे पूरी तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक इसे मिला दूँ और फिर मैं आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है। अब आप ये देखिए मैंने उससे क्रश क्यों किया था मीठी नीम से। अब आप ये देख सकते हैं इसमें जो हरा हरा आप देख रहे हैं ये जो मैंने मीठी नीम जो क्रश करी थी उसका जादू है जो खाने में लाजवाब है।